हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप ट्रैक की मास्टरिंग कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि जब वो ट्रैक बनाते हैं तो ट्रैक में उनकी जो किक की आवाज़ होती है, जो क्लेप्स यूज करते हैं, हिट हेट यूज करते हैं, परक्यूशंस यूज करते हैं, ढोलक यूज करते हैं, तो वो पहले तो अच्छा बजता है, लेकिन मास्टरिंग करने के बाद में उनकी किक की आवाज़ डाउन हो जाती है। क्लेप्स की आवाज़ जो भनभनाहट की टाइप आती है, ढोलक की आवाज़ बिल्कुल मतलब कि अच्छी साउंड नहीं करती है, तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, अच्छी मास्टरिंग कैसे करेंगे ट्रैक की, उसी के बारे में हम आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। सबसे पहले आप इस ट्रैक को एक बार सुन लीजिए। तो दोस्तों, मैंने ये ट्रैक बनाया हूँ, उसके बाद में मैंने इसको क्यूबेस 5 में डाला हूँ। तो इसमें दोस्तों मैंने जो किक यूज़ किया हूँ, सॉफ्ट किक यूज किया हूँ, कुछ टॉम यहाँ पे डाले हैं, कुछ क्लेप्स है, परक्यूशंस है, और एक ढोल लूप्स है जो मैंने इसमें मिक्स रिदम लगाया हूँ, तब जाके ये बिल्कुल ट्रैक बना पाया हूँ। तो चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि इसकी आप मास्टरिंग कैसे करेंगे, जिससे इसकी जो किक की आवाज़ है वो धीमी ना पड़े, यानी कि इसका साउंड फटे ना, क्लेप्स का साउंड फटे ना, या फिर जो परक्यूशंस यूज कर रहे हैं, छोटे छोटे किट यूज कर रहे हैं, उनकी साउंड यहाँ पे दोस्तों फटना बिल्कुल नॉर्मल सुनाई दे, जैसे कि जो शुरू में सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं किसकी मास्टरिंग करेंगे कैसे। तो यहाँ पे आपको मिक्सर आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पर कुछ एडिट का पैनल खुल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडियो आउट पैनल है, यहाँ पे हम दूसरा तीसरा लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इक्यू कर देना है, यानी कि इक्वलाइजर करना है, लेकिन इतना आपको इक्वलाइजर करना भी नहीं है, आप इसकी वोकल मास्टरिंग नहीं कर रहे हैं बल्कि एक ट्रैक की मास्टरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इसको ऊपर नीचे कर देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। इसका ट्रेवल, इसका बेस आपको मतलब कि बेकार जाएगा, जैसे कि बहुत सारे लोग इसको ऊपर नीचे कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे ले आएँ, सबसे नीचे ले आएँ। ठीक है, तो इस तरह से उनको नहीं करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने नीचे इसको किया तो इसका साउंड थोड़ा सा चेंज हो गया। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे करता हूँ तो इसका साउंड देखिए, ऊपर करता हूँ तो इसका जो ट्रेवल होता है दोस्तों वो हाई हो जाता है। तो मैंने इसको यहाँ पे किया तो इसका ट्रेवल बिल्कुल हाई हो गया। तो आपको ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा नॉर्मल आपको इसको इक्यू करना है, ज़्यादा इक्यू करने की ज़रूरत नहीं है। मोटा पतला तो आवाज़ हम तब करते हैं, अगर किसी भी सिंगर की आवाज़ मोटी पतली होती है तो उसको यहाँ पे आप नॉर्मलाइज कर सकते हैं यहाँ से। फिर यहाँ पे चलिए मास्टरिंग का प्रेसेट हम लगाते हैं। तो मास्टरिंग के लिए दोस्तों आपके पास वेव बंडल होना चाहिए, यानी कि वेव का प्लगइन्स होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारा प्लगइन्स पड़ा हुआ है वेव बंडल का। C1 कंप्रेसर मोनो है, यहाँ पर R कंप्रेसर मोनो है, स्टूडियो है, यहाँ B कंप्रेसर है, CLA 2A है, CLA 3A है, और यहाँ पे मेरे पास और भी बहुत कुछ यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारा मास्टरिंग का जितना भी प्रेसेट है वो सारा का सारा है यहाँ पे। यहाँ पे L3 अल्ट्रा मैक्सिमाइजर स्टूडियो मोनो है मेरे पास, और L3LL मल्टी मोनो है, और यहाँ पे देख सकते हैं L3 मोनो है, यानी कि मास्टरिंग करने का जो भी यहाँ पे बंडल दिया होता है, प्लगइन्स दिया होता है, सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। मैसराटी GRP स्टूडियो और मोनो है मेरे पास। तो चलिए इसमें से हम एक यूज करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था L3 अल्ट्रा मैक्सिमाइजर और L3 मल्टी मैक्सिमाइजर के बारे में बताया था मास्टरिंग करने के लिए। आज मैं इस प्लगइन्स का यूज करूंगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं L3LL मोनो, इसकी मदद से मैं मास्टरिंग करना आपको बताऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं खुल चुका है L3LL मल्टी मोनो।
तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हैं प्रेसेट दिया होता है, तो इन प्रेसेट का भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सबसे फर्स्ट नंबर पे प्रेसेट आपका आ गया है, यहाँ पे देखिए बहुत सारा यहाँ पे प्रेसेट दिया हुआ है। इस पर अगर हम पहले वाले के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मास्टरिंग ऑटोमेटिक सेव होती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रेसेट यहाँ पे लगाया तो आपको कुछ मास्टरिंग में इसके फ़र्क पड़ा, ठीक है। बाकी इसमें दोस्तों बहुत सारे प्रेसेट है, जो भी आप प्रेसेट यूज करना चाहते हैं यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और कुछ प्रेसेट आपको मिल जाएंगे जिनका गेन लेवल सबसे ज़्यादा होगा। इसका दोस्तों गेन लेवल ज़्यादा होगा तो उसकी साउंड दोस्तों ऑटोमेटिक फट जाएगी। तो चलिए बिना इसका इफेक्ट के हम इसको एक बार और सुन लेते हैं। तो सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसका अगर आप प्रेसेट चेंज करना चाहते हैं तो प्रेसेट आप चेंज कर सकते हैं। इसका थ्रेशोल्ड कम ज़्यादा यहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ से आपको कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि कोई भी अगर आप प्रेसेट यूज़ करते हैं तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड का जो ये यहाँ पे देख सकते हैं फीचर्स है, इसको दोस्तों आपको कम ही रखना है, ज़्यादा यहाँ पे रखना नहीं है, नहीं तो आपकी साउंड क्वालिटी की क्लिप्स की दोस्तों ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने दूसरा प्रेसेट ले लिया हूँ। दोस्तों सभी प्रेसेट अलग अलग जो उसकी जो मास्टरिंग करते हैं ट्रैक की या वोकल की, तो सभी प्रेसेट का फीचर्स दोस्तों अलग होता है। तो आपको अपने हिसाब से इसको चेंज करना है, यानी कि अगर इसका गेन लेवल अगर आप बढ़ाना चाहते हैं खुद से तो आप इसका बढ़ा सकते हैं। बाकी हर प्रेसेट में गेन लेवल इसका एक अपना एक वर्क करता है। वैसे से में और भी बहुत सारे प्रेसेट हैं, जो प्रेसेट आप यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं, और यहाँ से आपको गेन लेवल कम ही रखना है, ज़्यादा गेन लेवल आपको नहीं बढ़ाना है, वरना ऑटोमेटिक जो किक की आवाज़ होगी वो फटेगी ज़रूर। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे L3LL मोनो का जो मास्टिंग प्रेसेट था वो मैंने यूज किया। अब चलिए यहाँ पे दूसरा यहाँ पे BST ले लेते हैं हम, ये वाला BST जैसे कि देख सकते हैं L3LL अल्ट्रा मोनो। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाला जो है प्रेसेट यूज किया हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे प्रेसेट हैं, कोई प्रेसेट आपको यूज करना है। फिर यहाँ पे थ्रीसोल्ड, जैसे कि देख सकते हैं थ्रीसोल्ड आपको कम ही रखना है, बाकी यहाँ पे नॉर्मल है, हाई है, नॉर्मल है, इनमें से आपको अल्ट्रा यूज कर लेना है। वैसे खास कोई काम होता नहीं अल्ट्रा का। तो ये वाला जो मैंने यहाँ पे बताया हूँ आपको, दो BST मास्टरिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मास्टरिंग करने के लिए दोनों प्लगइन्स काफ़ी अच्छे हैं, L3LL अल्ट्रा मोनो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर दूसरा है L3LL मल्टी मोनो, दोनों काफ़ी अच्छे BST प्लगइन्स हैं ट्रैक की और वोकल की मिक्सिंग और मास्टरिंग करने के लिए। अगर किसी भी प्रेसेट में अगर आपको लगे इसका थ्रीसोल्ड काफ़ी ज़्यादा है, इसका गेन लेवल ज़्यादा है, तो आप कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं।